Planet Bollywood. We have discussed with Hrithik for Kabil. SRK ki guzarish ko Hrithik ne kiya ansuna. We are actors, we should leave all this to the producer. शाहरुख की एक रिक्वेस्ट को ऋतिक रोशन ने ठुकरा दिया। शाहरुख खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ईद के दिन, उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे, जो क्लैश हो रहा है रईस और काबिल के बीच, वो कुछ बातें हुई आपसे शाहरुख से? हाँ, हमने बात की है और बात ये की है कि वी आर एक्टर्स, वी शुड लीव ऑल दिस टू द प्रोड्यूसर। ऋतिक के सिंपल से जवाब से क्लियर हो गया है कि वो अपनी फिल्म किसी भी कीमत पर और किसी के भी कहने से नहीं करने वाले हैं पोस्टपोन। दरअसल शाहरुख खान की रईस और ऋतिक रोशन की काबिल जनवरी 26, 2017 को एक साथ रिलीज होने वाली है, यानी दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक साथ आएंगी, जिसका नुकसान दोनों ही फिल्मों को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन SRK ऐसा नहीं चाहते हैं और इसीलिए SRK ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और ऋतिक से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी फिल्म की डेट चेंज कर दें। The film is ready, और हमको ऐसा लगने लगा कि दूसरी अल्टरनेट डेट सोची थी साल में, लेकिन कहीं ना कहीं पर कोई और एक और बड़ी फिल्म आ रही थी। इट वाज जस्ट लाइक यू कहते हैं ना, जिसको कि फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर वी गो एंड रिलीज सम अदर फिल्म। सो वी हैव डिस्कस्ड विद ऋतिक फॉर काबिल, क्योंकि उसकी शुरुआत हुई है, इट वाजंट बीइंग मेड। So hopefully we will come on 25th January now. लेकिन ऋतिक ने तो किंग खान की बात मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। हाँ, हमने बात की है और बात ये की है कि we are actors, we should leave all this to the producer. Well, ऋतिक रोशन ये बात कहे के पीछे जरूर हट रहे हैं, मगर आपको बता दें कि काबिल राकेश रोशन प्रोडक्शन की ही फिल्म है। ऐसे में ऋतिक चाहे तो पापा राकेश रोशन से बात करके बॉक्स ऑफिस पर होने वाली दो फिल्मों के बीच ये बड़ी वॉर रोक भी सकते हैं, लेकिन शायद वो ऐसा चाहते नहीं, इसीलिए उन्होंने खुद को महज फिल्म का एक्टर बता के इसी बात की तरफ इशारा कर दिया है कि रईस और काबिल के बॉक्स ऑफिस क्लैश तो 100% कंफर्म है। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई।